तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की एक ऐप के बारे में जो कि बहुत ही कमाल की, जिसका नाम है अल्ट्रा डाटा सेविंग ऐप। मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा सेविंग के लिए वाली ऐप का आप यूज कर सकते हैं। तो इस ऐप को कैसे यूज करेंगे, कहाँ ये मिलेगा और एक्चुअल में कैसे अपन इसको यूज कर पाएंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी में, तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं अल्ट्रा डाटा सेविंग ऐप के बारे में आने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद यहां जाएंगे आप माय अपडेट्स में। माय अपडेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ये आपको अल्ट्रा डाटा सेविंग ऐप का एक अपडेट वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि आपको ये कहाँ मिलने वाला है, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हो गया, पहले तो ये अपडेट आया। इस अपडेट में आप देखेंगे उन्होंने कुछ बताया नहीं है स्पेशली क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और यहाँ पर इस अपडेट में आप क्या कर सकते हैं, मतलब इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं, डाटा कंप्रेशन कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड डाटा, यहाँ दो चीज़ें आप कर सकते हैं। डाटा कंप्रेशन मतलब कि जब भी आप कोई वीडियो इमेज या कहीं भी वीडियो इमेज या जो भी चीज़ अगर आप अपलोड करते हैं तो वो आपकी कंप्रेस होके जाए, जिससे आपका डेटा वहाँ पर सेव हो। और रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड डाटा, ये वो ऐप्स हैं जिनको आप वहाँ पर कि ये जो ऐप्स हैं आपकी बैकग्राउंड में रन ना हो, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको ये नीचे की तरफ आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है आपको डिवाइस एंड बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड, ये आपको नीचे मिलता होगा। आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, वो ऑटोमेटिक आपको गैलेक्सी स्टोर पे ले जाएगा। अगर मेरे पास तो थी तो मुझे ये अपडेट के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट। ये अपडेट आया है 9 जुलाई को, ये रोल आउट किया गया है, जो कि है 5.0.00.154, जो कि 7 MB का अपडेट है। तो मैंने इसको अपडेट पे क्लिक कर लिया। अपडेट करने के बाद बताऊंगा एक्चुअल में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको होने देते हैं अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद इसको आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। इस ऐप का मेन मकसद ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अल्ट्रा डाटा सेविंग इज अ मोबाइल डाटा सेविंग ऐप डिजाइन स्पेशली फॉर सैमसंग स्मार्टफोन इज हेल्प टू सेविंग मोबाइल डाटा बाय डाटा कंप्रेशन और बैकग्राउंड डाटा रिसेव। मतलब इस ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि आप अपने मोबाइल का जो डेटा है उसको सेव कर सकें बाय डेटा कंप्रेशन और डेटा बैकग्राउंड डेटा रिसेक्शन। डाटा कंप्रेशन मतलब कि अगर आप कोई इमेज वीडियो या ऑडियो ड्यूरिंग अपलोडिंग कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी कंप्रेस होकर डाउनलोड हो या अपलोड हो, जिससे आपके मोबाइल का डेटा काफी हद तक सेव हो चुके। तो इसको अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद मैं वापस आपको यहां पर ले जा रहा हूं सेटिंग्स पे, और यहां बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे जाना है और अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड पे आप चले जाना है। तो ये आपको यहां पर ऐप मिल जाएगी। आप देखेंगे इस ऐप को जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो आपसे यहां पर ये चीज परमिशन मांगने वाला है। बैकग्राउंड डाटा विल बी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड ऑफ फॉर ऑल एप्स बाय डिफॉल्ट, बट यू कैन अलाउ स्पेसिफिक ऐप टू यूज इट कंप्रेस डाटा यूजिंग सैमसंग मैक्स। तो ये यहाँ पर आपको पूरी कंडीशन लिखी गई है, आपको इसको अलाउ कर देना है और इसको इनेबल कर देना है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर जो आप ऐप्स को डालेंगे, जो ये जो लिखा है ना लिमिटेड बैकग्राउंड डेटा ऐप, सबसे पहले बता दूं ये आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जितना भी वो डेटा सेव करेगा तो आपको यहाँ पर बता देगा, यूज्ड और सेव डाटा सब आपको यहाँ पर बताएगा। अभी मैंने इसको ऑफ कर रखा था इसलिए बता नहीं रहा, ऑन करोगे तो आप यहाँ सब बताता रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएगी, डिटेल्स में जाएंगे तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, वीकली ईयर मंथली जो भी आपको चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन पे जाने के बाद जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपसे एक चीज ऐप ऑन करने को बोलेगा, तो आपको उसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ये आपसे बोलेगा सेव मोबाइल डाटा बाय कंप्रेसिंग टेक्स्ट इमेज वीडियो डेटा रिसीव ऑन द इंटरनेट यूजिंग योर मोबाइल डाटा अपलोड, जैसा कि उन्होंने लिखा था। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इमेज सेविंग में क्या कर दिया, हाई या लो, आपको जैसा चाहिए इमेज पे हाई करना या लो करना आप यहाँ सेट कर लीजिए। अपलोड कंपैरिजन में क्या करना है, जैसे मान लो इमेज की हाई क्वालिटी है तो आपको उसको लो क्वालिटी में सेंड करना है या हाई क्वालिटी में सेंड करना है, तो आप यहाँ से उसको सेव कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो में भी सेम आपको कंप्रेशन के लिए लो या हाई मीडियम पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो में भी सेम आपको यह कर लेना है, मतलब कि ये जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है ना सेम सैमसंग मैक कंप्रेशन, तो यहाँ पर हाई में कंप्रेस होके जाने वाला है। तो जहाँ भी आप अपलोड करेंगे ऑटोमेटिक ये काम करेगा। कंप्रेसिंग डाटा भी लोअर द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, साफ साफ लिख दिया है, जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो उसके जो क्वालिटी है उसको कम कर दिया जाता है। अगर आपको हाई क्वालिटी में भेजना है कोई भी चीज़ ऑडियो वीडियो, तो आपको इसको ऑफ करके भेजना है ताकि आपकी कोई भी कंप्रेस ना हो।
उसके बाद बैक आइए, यहाँ पर लिखा है लिमिटेड बैकग्राउंड डेटा, मतलब कि अब क्या होगा, अब उन ऐप्स के जो ऐप्स मैं यहाँ पर डाल दूंगा, 6 ऐप्स यहाँ पर डाल सकता हूँ, उस ऐप के अलावा कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं होगी। कैसे, लाइक मैं यहाँ प्लस पे गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ मोबाइल डाटा विल बी सेव बाय रिस्ट्रिक्टिंग द यूजर्स ऑफ बैकग्राउंड डाटा फॉर ऐप एड अप टू 6 ऐप विच कैन यूज मोबाइल डाटा वाइल रनिंग इन बैकग्राउंड। लाइक मुझे अब बैकग्राउंड में कौन कौन सी ऐप मैं यूज करता हूँ, लाइक मैंने क्रोम का यूज कर लिया बैकग्राउंड में यूज करने के लिए, ऐसे ही आपको एक एक ऐप को सिलेक्ट कर लेना है जो कि बैकग्राउंड में यूज कर रहा है। अगर आप व्हाट्सएप को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आना आपके पास बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे आप 6 ऐप्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी आपकी यहाँ पर ऐप्स पे आपके नोटिफिकेशन आने वाली है, और उसके अलावा जितनी भी ऐप्स हैं जो भी आपने इसको अलाउ नहीं करा हुआ या फिर बोल सकते हैं जिनको आपने यहाँ पर नहीं डाला 6 ऐप में, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आने वाली जब तक कि आप उसको एक्सेस नहीं करेंगे, जब तक कि उसको आप ऐप को ओपन नहीं करके देखेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आने वाली। मैं वो भी करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो लाइक मैंने यहाँ पर 4 ऐप्स फिलहाल ले ली हैं और अभी मेरे पास कोई भी व्हाट्सअप का मैसेज अभी कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको व्हाट्सअप को SMS को बंद कर दिया, ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड इज इनेबल। जब तक व्हाट्सअप को ओपन नहीं करूँगा मेरे पास कोई व्हाट्सअप का मैसेज नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप को यहाँ पर अलाउ नहीं करा। जहाँ जो ऐप्स को यहाँ पर आप अलाउ करेंगे उनके ही मैसेज आपके पास आएंगे या हो सकते हैं वही बैकग्राउंड में रन करेंगी, उसके अलावा जो भी ऐप्स होंगी वो रन नहीं करने वाली है। लाइक अब मुझे व्हाट्सअप के मैसेज देखना है तो जैसे ही मैं उसको ओपन करूँगा तो जितने भी मैसेज होंगे तब आके डिलीवर्ड होंगे, नहीं तो ओपन नहीं करूँगा तो वो डिलीवर्ड नहीं होने वाले। मतलब कि आपको अगर उसको व्हाट्सअप को इनेबल करना है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप को यहाँ पर डालना होगा, नहीं तो आप उसको कोई भी अगर चैटिंग वाली ऐप है लाइक आपकी मैसेंजर हुआ या कोई भी इंस्टाग्राम हुआ, तो जब तक उसके लाइक मैसेज आपको नहीं आएंगे जब तक आप उसको यहाँ पर डालेंगे नहीं। मतलब कि यार ये वो ऐप्स के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा डेटा खाती हैं, जिनको आप अनयूज्ड ऐप होती हैं उनको आप वहाँ पर बैकग्राउंड डेटा अनयूज्ड कर सकते हो, बाकी के लिए आप अलाउ करके रखो जिससे आप चैटिंग वैटिंग्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की ऐप्स है डाटा सेविंग के रिगार्डिंग जो कि मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मैं डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में जो नोटिफिकेशन वाला आइकन दिखता है ना इसको दबाना भी ना भूले, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले वहां पर नोटिफिकेशन आए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।